श्रीमद् भगवद् गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 101 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवद गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले अवश्य सुनें। तो चलिए जानते हैं भगवद गीता के 101 महत्वपूर्ण विचारों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वे जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, वह आवेश में कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, वह कल किसी और के पास था, परसों वो किसी और के पास होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी
आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सबसे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो स्वयं आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा चुप जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है,
वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुण तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति का भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे कब और कितना बोलना है अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को कुछ मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए भाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय दो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रुलता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं है। हमेशा शांत रहें, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह सात गुण बचाएंगे, आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए।
हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो स्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो, जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत छोड़ कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया, जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती, और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त मिलती हैं, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ शमशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो, अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो, लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से, सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसा इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती, शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जानने की शक्ति, झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूं। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। सबसे इस तरह का व्यवहार करें
कि कोई अगर आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा कामयाब हों। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं, और आशाओं का त्याग करके देखो जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। फल की अभिलाषा छोड़कर काम करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार चरित्र और सम्मान की हो। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। इंसान घर रिश्ते दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है, ना तो यह शरीर तुम्हारा है ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश इन पांच चीजों से मिलकर बना है, और आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा। लेकिन यह आत्मा स्थिर है जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो एक नया जीवन है। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्ण का चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और उस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वहीं दूसरे क्षण में दरिद्र भी बन जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम इन सब के हो। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। आप अपने विचारों को बदलें, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना कोई परिवार ना दोस्त ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन है, सबसे पहले उसको करो। जीवन में जो भी होता है वो किसी वजह से होता है, या तो वो आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखा कर। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर देखना भी छोड़ देते हैं, इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखिए। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग
हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है, और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है, यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं, और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ रह जाते हैं। जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदल सकता है। एक मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं जिंदगी रिश्तों से ही सस्ती और संवरती है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का, और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो मनुष्य जीव पाकर भी राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।